नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बांका शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर जल्द ही मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। डीएम सुहर्ष भगत व एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने शहर के हर एक जगह को स्थल निरीक्षण किया। समाहरणालय गेट के समीप पुराने दुकान खोलने की कवायद शुरू की जाएगी। इन दुकानों में जिले के उत्पादित हो रहे लेमन ग्रास, मधु, सिल्क आदि वस्तुओं को दुकान खोली जाएगी। इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं समाहरणालय गेट के सामने पार्क को हर्बल पार्क में विकसित किया जाएगा। इधर डीएम व एसपी ने बताया कि गांधी चौक के समीप डीटीओ ऑफिस के किनारे सूखे पड़े तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। डीएम ने बताया कि जल्द ही शहरीकरण का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए बांका का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द से जल्द शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए ओपन पार्क की व्यवस्था की जाएगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के बाद बेडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसे फूटकर दुकानदारों के रोजगार करने में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। इस अवसर पर डीडीसी रवि प्रकाश, एसडीएम मनोज चौधरी, टीओ नवल किशोर यादव, बांका बीडीओ संजय कुमार, सीओ सुजीत कुमार सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य पथ पर रामपुर गांव के समीप कैदी वाहन और ट्रक की टक्कर में चालक समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना की सूचना अमरपुर थाने में दिया गया। सूचना मिलते ही अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार पुलिस बलों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कैदी वाहन में फंसे चालक व पुलिस कर्मियों को निकालकर इलाज के लिए मायगंज भागलपुर लेकर चले गए। वहीं इलाज के दौरान कैदी वाहन को चालक की मौत हो गई, जबकि जख्मी पुलिस कर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक कैदी वाहन के चालक देवेंद्र पंडित बताया गया। मिली जानकारी के अनुसार कैदी वाहन कैदियों को लेकर मुंगेर गया था, जहां कैदी को छोड़कर शंभुगंज होते हुए वापस आ रहा था। तभी रामपुर गाँव के समीप सड़क किनारे खड़ी ट्रक में कैदी वाहन के चालक ने अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांका पुलिस लाइन में मृतक चालक के लिए बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के द्वारा शोक सभा का आयोजन करते हुए पुलिस कर्मियों के द्वारा सलामी देने की तैयारी की जा रही है। काम था कैदी लेके मुंगेर जेल पहुंचाना, फिर वहां से कैदी लेके आना। तो जब कैदी पहुंचा रहे थे, मतलब उधर से लेके आ रहे थे, उस टाइम पे हुआ क्या कि अमरपुर के पास एक्सीडेंट हो गया। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के महुआ गांव में एक पुत्र ने मामूली सी बात पर अपने पिता को बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। घटना को लेकर महुआ गांव निवासी वृद्ध कमिश्नर मांझी अपने पुत्र विकास मांझी के खिलाफ पंजवारा थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। मामले को लेकर कमिश्नर मांझी ने बताया कि वह पस्टकिया गांव से सर पर धान का बोझा लेकर घर पहुंचे ही थे। उनके पुत्र विकास मांझी ने उन्हें उनके पत्नी के सामने लात घूसों से पीटने लगे और मार पीट कर घायल कर दिया। पहले ठोठो पकड़ लेके पत्नी भी खड़ा से आखे नखे कहीं पूछा नहीं जाती दे मुक्का जे फट है इसने एकदम मतलब तो भूल एकदम देखिला एकदम अमरपुर बांका मुख्य पथ पर स्थित धर्मपुर गांव के समीप बोलेरो के धक्के से 8 वर्षीय बच्ची जख्मी हो गई। आनन फानन में परिजनों ने जख्मी को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा अर्चना कुमारी उर्फ नंदनी का प्राथमिक उपचार किया गया। अस्पताल परिसर में जख्मी के परिजनों ने बताया कि बच्ची सड़क पार कर रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो वाहन ने अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया। मौके से बोलेरो चालक अपनी वाहन लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड मुख्यालय में अपर संहारता जयशंकर प्रसाद ने अमरपुर व शंभुगंज के नए बीएलओ के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता सूची संधारण का काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने नए बीएलओ को 18 वर्ष पूरा कर चुके युवा का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने, मृतक व्यक्ति का नाम हटाने तथा दूसरी जगह चले गए लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने आदि का निर्देश दिया। इस मौके पर अमरपुर बीडीओ राकेश कुमार, शंभुगंज बीडीओ प्रभात रंजन भी मौजूद थे। बांका जिले के अमरपुर क्षेत्र में एलटी टास्क फोर्स बांका के द्वारा अवैध शराब माफिया के खिलाफ चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत मखदुमा गांव स्थित छिटका बांध से गैलन में रखी 40 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया गया। मौके पर पुलिस को देखते ही तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। फरार तस्कर लक्ष्मण चौधरी उर्फ घुट्टो चौधरी एवं अमित चौधरी बताया गया। वहीं एलटी टास्क फोर्स के पुलिस अफसर निरीक्षक राम छबिला शर्मा के लिखित आवेदन पर उक्त दोनों फरार तस्करों को नामजद करते हुए अमरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया। छापेमारी अभियान में एलटी टास्क फोर्स के पुलिस निरीक्षक अजीत कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक उपेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे।
बांका जिले के फुली डुमर प्रखंड के तेलिया फील्ड पर चल रहे मृणालिनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में मंगलवार को बिजली चक क्रिकेट टीम ने वंशीपुर क्रिकेट टीम को 62 रनों से पराजित कर दिया। इसके पूर्व बिजली चक टीम ने टॉस जीतकर विपक्षी टीम के समक्ष जीत के लिए 212 रनों को लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वंशीपुर की टीम 149 रनों पर ही सिमट गई। मैन ऑफ द मैच विजेता टीम के सैफ ने 10 छक्के एवं 3 चौके की मदद से अकेले 76 रन बनाए, जिसे मुख्य अतिथि सह आयोजन समिति के अध्यक्ष उदय कांत सिंह ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अंपायर सोना सिंह एवं मोहन सिंह थे। स्कोरिंग अनिश एवं नितेश ने किया, जबकि कमेंट्री चिकू एवं पिट्टू सिंह ने बारी बारी से की। मौके पर दर्जनों खेल प्रेमी मौजूद थे। आयोजन समिति के मिंटू सिंह ने बताया कि बुधवार को अमरपुर बनाम सुल्तानगंज क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला होगा। मंगलवार को हाई स्कूल फुली डुमर मैदान में युवा स्पोर्टिंग क्लब द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रमुख प्रतिनिधि प्रसेंजित कुमार ने समाज सेवी मुकेश शाह एवं आयोजन समिति के सुरेंद्र मुर्मू, पिंटू मुर्मू, श्याम सोरेन, सुरेश हासंदा के साथ फीता काट कर किया। उद्घाटन मैच TSC कौशलपुर एवं महादेव स्थान फुटबॉल टीम के बीच खेला गया। मैच के रेफरी सुनील हेम्ब्रम थे। सबकी आंखों देखा हाल अनिल मुर्मू ने सुनाया। आयोजन की ओर से टूर्नामेंट के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों के बीच पुरस्कार में 15,000, 10,000 एवं 7,000 रुपए नगद रखा गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।